हेलो स्टूडेंट्स आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन आर्या कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी आई आई एल गोना टीच यू फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट एंड अब हम फर्स्ट uh, जो चैप्टर है आपका वो स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ़ फार्मेसी इन इंडिया तो इस चैप्टर में क्या है हमने हिस्ट्री पढ़नी है और हिस्ट्री uh, में क्या क्या मतलब कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या पब्लिश हुआ था क्या क्या नया स्टार्ट हुआ था वो हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशियंट इंडिया की एशियंट इंडिया में जो वैदिक पीरियड था वैदिक टाइम में सबसे पहले स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ये तीन मेडिसिन का स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर सबसे पहले बट इंडिया के अंदर यूनानी इंडिया में नहीं बना था बाहर से आया था मेडिसिन का सिस्टम बट जो आयुर्वेदा और सिद्धा है ये इंडिया के अंदर अपने आप बनाए गए लोगों ने अपने आप स्टार्ट करा इनको इंडिया के अंदर तो आयुर्वेद और सिद्धा जो मेडिसिन थी ये घर में ही लोग अपने आप बनाया करते थे स्टार्ट किया था लोगों ने किससे बनाना जड़ी बूटियों से और ऑयल से प्लांट से एनिमल से जो भी हमें एक्सट्रैक्ट मिलते थे पुराने टाइम में लोग एनिमल प्लांट के एक्सट्रैक्ट से मेडिसिन बनाया करते थे पुराने टाइम में जिसे कि काढ़ा वगैरह कहा जाता था जो आजकल भी बहुत लोग यूज़ करते हैं काढ़ा बनाते हैं और बहुत सी मेडिसिन आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आती हैं तो ये स्टार्ट हुई थी वैदिक पीरियड के टाइम में जब बिल्कुल मेडिसिन नहीं होती थी फार्मेसी का कोई नाम नहीं था फार्मेसी का बिल्कुल भी कुछ नहीं था उस टाइम पे आयुर्वेदा और सिद्धा जो है इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हुआ तो जब इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया तो लोग अपने घर में ही रेसिपीज़ मतलब मिक्स करके और बनाने लगे और फिर आ, लोग अपने आप ही ट्रीटमेंट करने लगे उस टाइम कोई भी मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं थे कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था कि कितना एम लेना है ये कितना ग्राम लेना है तो लोग अपनी मर्जी से ही इसको यूज़ करते थे प्लांट्स और एनिमल्स एक्सट्रैक्ट्स को और मेडिसिन बनाते थे आयुर्वेदिक और सिद्धा मेडिसिन उसके बाद वैदिक पीरियड में क्या हुआ तो जो भी इंडिया के अंदर आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाई जाती थी या सिद्धा मेडिसिन बनाई जाती थी उन रेसिपीज़ को सीक्रेट रखा जाता था फैमिली में तो सीक्रेट रखने का ये कारण होता था कि जैसे कोई फैमिली है ट्रीटमेंट कर रही है आयुर्वेदा तो वो अपने पास ही उसकी रेसिपी रखती थी कि ये कैसे आ, मतलब रेसिपी बनाई गई और फिर वही ट्रीटमेंट करते थे लोगों का और ये रेसिपी को सीक्रेट रखा जाता था पर्टिकुलर एक फैमिली टू फैमिली मतलब ये चलता रहता था जैसे कि किसी के ग्रैंडफादर मेडिसिन बना रहे हैं तो बाद में उनके सन बनाएंगे उसके बाद उनके ग्रैंड सन बनाएंगे मतलब एक ही फैमिली के पास वो रेसिपी का सीक्रेट रहता था और वही एक पर्टिकुलर फैमिली पूरे अपने एरिया के अंदर ट्रीटमेंट करते थे आयुर्वेदिक मेडिसिन से तो इसकी जो रेसिपी है वो आउट नहीं होने देते थे फैमिली से और पर्टिकुलर एक ही फैमिली के पास इसका सीक्रेट रहता था था ये था आयुर्वेदिक सिस्टम जिसके अंदर जो बनाए जाते थे काढ़ा वगैरह हो गया और एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता था उसके बाद जब आ, न्यू इंडिया के अंदर आ, जब एलोपैथिक मेडिसिन का स्टार्ट हुआ एलोपैथिक मेडिसिन का कब स्टार्ट हुआ ब्रिटिश पीरियड के अंदर जब ब्रिटिश ट्रेडर्स लेकर आए थे ब्रिटिश ट्रेडर्स से हमें एलोपैथिक मेडिसिन का जो इम्पोर्ट है वो स्टार्ट हुआ इंडिया के अंदर तो वो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बाद वैदिक पीरियड में क्या हुआ वैदिक पीरियड में एक लॉर्ड थे लॉर्ड धनवंतरीज ये कौन है लॉर्ड ये माने जाते हैं गॉड ऑफ़ हेल्थ गॉड ऑफ़ हेल्थ ये जो लॉर्ड थे ये धनवंतरी भगवान थे मतलब कि जिनको भगवान कहा जाता था गॉड ऑफ़ हेल्थ जो कि जिन्होंने सबसे पहले बुक लिखी थी आयुर्वेदा के ऊपर और आयुर्वेदिक मेडिसिन बनानी स्टार्ट करी थी स्टैंडर्ड्स को सेट करके कि मतलब कि मेन आयुर्वेदिक कौन सी डिजीज़ की कौन सी मेडिसिन बनाई जाएगी वो सबसे पहले लॉर्ड धनवंतरीज ने बनाई थी तो ये धनवंतरीज की जो फोटो है लॉर्ड धनवंतरीज की ये इनके हाथ में मतलब कि एक ड्रिंक रहता है जो कि गॉड का ड्रिंक होता है जिसे हम बोलते हैं अमृत बोलते हैं वो इनके हाथ में हमेशा रहता था इनकी पिक्चर में अमृत इन हैंड ये हमें आ, मतलब कि हिस्ट्री के अंदर लिखना जरूरी है क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करी थी और बुक लिखी थी और इसके बाद जो दूसरे आ, लोग साइंटिस्ट आए जिन्होंने आयुर्वेदा के ऊपर और रिसर्च करना स्टार्ट करा वो थे चरका चरका ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आयुर्वेदिक के ऊपर रिसर्च करा लॉर्ड धनवंतरीज के बाद और उसके ऊपर रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर बुक लिखी और इनसे ही मतलब आयुर्वेदिक सिस्टम फेमस होता चला गया और इसके बाद हम बात करेंगे जो एलोपैथिक सिस्टम आया था इंडिया में तो एलोपैथिक जो सिस्टम आया था ये आया था ब्रिटिश ट्रेडर्स के थ्रू ब्रिटिश जो हैं वो एलोपैथिक सिस्टम को इंडिया में लेकर आए थे और बाद में उन्होंने आ, स्टार्ट कर दिया इंपोर्ट करना तो इंपोर्ट कैसे स्टार्ट हुआ इंपोर्ट ऐसे स्टार्ट हुआ जैसे कि इंडिया में जो कल्टीवेशन किया जाता है क्रॉप्स का तो हम लोग क्या करते थे उन क्रॉप्स को हम लोग क्रूड ड्रग बनाकर हम लोग एक्सपोर्ट करते थे Uh, मतलब कि फॉरेन कंट्रीज़ में तो फॉरेन कंट्रीज हमें क्या करती थी उन क्रूड ड्रग्स को ड्रग फॉर्मूलेशन में बनाकर जैसे टैबलेट कैप्सूल डोसेज फॉर्म बनाकर इंपोर्ट करवाती थी इंडिया में तो ऐसे ही रूल चलता गया कि जो इंडिया है वो क्रूड ड्रग्स को पाउडर्स फॉर्म में एक्सपोर्ट कराते गए फॉरेन कंट्रीज़ में और फॉरेन कंट्रीज़ जो थी वो डोसेज फॉर्म बनाकर इंडिया के अंदर इम्पोर्ट कराती गई मेडिसिनस को क्योंकि लिए हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं थी फार्मेसी का प्रोफेशन नहीं था फार्मासिस्ट नहीं थे बनाने वाले मेडिसिन तो जो फॉरेन कंट्रीज़ है वहाँ पे हम लोग क्रूड ड्रग भेजते थे और वो लोग हमें मेडिसिन बनाकर इंपोर्ट करवाते थे इस दौरान क्या हुआ कि बहुत लोग फ़ेक मेडिसिन और फ़ेक मतलब कि यूज़लेस मेडिसिनस को न, मतलब कि जिसे कहते हैं एडल्टरेटेड या नकली और वो आ, सेल करने लग गए इंडिया में इस टाइम पीरियड के दौरान तो जो आ, मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया था 1914 के अंदर तो 1914 से लेकर 1920 तक का जो वर्ल्ड वॉर का पीरियड था उस टाइम पे जो इंपोर्ट था मेडिसिन का वो स्टॉप हो गया था और दोबारा से स्टार्ट हो गया था वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद उसके बाद क्या हुआ इस टाइम पीरियड के दौरान जो अनकालीफाइड पर्सन थे उन्होंने क्या करा नकली मेडिसिन बनाकर सेल करनी शुरू कर दी इंडिया के अंदर यूजलेस मेडिसिन जिनका कोई यूज़ नहीं होता तो मतलब कि अर्निंग करने के लिए एक फेक मेडिसिन बनाकर सेल करनी शुरू कर दी तो इसको रोकने के लिए ताकि किसी को यूज़लेस मेडिसिन से कोई नुकसान ना हो मनी वेस्ट ना हो तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट ने क्या करा गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई कमेटी बनाई जो कि क्या करेगी जो फार्मेसी के, के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको इम्प्रूव करेगी और उनको ध्यान रखेगी कि कौन मतलब फेक मेडिसिन बना के सेल कर रहा है उनको पकड़ेंगे तो ये कमेटी बनाई किसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई ये वो बनाई 11 अगस्त 1930 के अंदर ये कमेटी बनाई गई थी और ये चेयरमैनशिप किसको दी थी कमेटी की लाल आर एन चोपड़ा को ये कमेटी दी गई थी जो ये कमेटी का चेयरमैन था और उसके बाद क्या हुआ और इस कमेटी बनाने के बाद जे आर एन चोपड़ा था इन्होंने स्टडी किया फ़ार्मेसी के ऊपर कि कौन कौन मेडिसिन कहाँ से आ रही है कितनी मेडिसिन हम द, मतलब कि कितने हम इंपोर्ट कर रहे हैं ड्रग्स और कितनी मेडिसिन आ रही है कितना हमारा मतलब मनी वेस्ट हो रहा है और कितना हमारे को यूज़ आ रही है मेडिसिन इंडिया में तो ये सब कुछ चीज़ें देखने के बाद जो आर चोपड़ा थे उन्होंने क्या करा रिपोर्ट पब्लिश करी नाइनटीन थर्टीन के अंदर कि जो इंडिया के अंदर कोई भी रिकोगनाइज प्रोफेशन नहीं है फार्मेसी का तो उन्होंने यह चीज पब्लिश करी थी कि इंडिया के अंदर कोई भी फार्मेसी का प्रोफेशन नहीं है तो उसके बाद क्या हुआ 1931 में यह रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद एक प्रोफेसर थे एम एल एमएल एम एल ने क्या करा था एम एल ने 1931 के अंदर ही बी एच यू यूनिवर्सिटी यू के अंदर फार्मेसी का प्रोफेशन स्टार्ट करा बी एच यू कौन सी यूनिवर्सिटी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये इंडिया की फ़र्स्ट यूनिवर्सिटी थी जिसमें बी फार्मा कोर्स शुरू करा गया था बी एच यू यूनिवर्सिटी इंडिया की फ़र्स्ट यूनिवर्सिटी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि जिसने बी फार्मा फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट करा था और ये किसने इस्टेब्लिश करा था प्रोफेसर एम एल शेरॉफ ने नाइनटीन के अंदर इस बी एन यूनिवर्सिटी के अंदर थ्री ईयर्स का बी फार्मा जो डिग्री है थ्री ईयर्स की बी फार्मा डिग्री स्टार्ट करी गई इस बी फार्म की डिग्री के बाद और आ, कोर्स स्टार्ट हुए फार्मा के और इसी एम एल ने क्या करा 1937 में इसने इंडियन जर्नल स्टार्ट करा इंडियन जर्नल ऑफ़ फार्मेसी इंडियन जर्नल ऑफ़ फार्मेसी में क्या होता है कि जर्नल के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करा जाता है सब कुछ अपडेट करा जाता है कि कौन सी मेडिसिन आ रही हैं और कौन कौन सी मेडिसिन है और मतलब लेटेस्ट क्या चल रहा है फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर कौन कौन से कॉलेज हैं कौन कौन सा कोर्स है तो वो सारा कुछ इंडियन जर्नल ऑफ़ फार्मेसी के अंदर पब्लिश किया जाता था अपडेट uh, किया जाता था टाइम टू टाइम तो ये भी एम एल शेरॉफ ने नाइनटीन में इंडियन जर्नल बनाया और इसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद 1940 के अंदर ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था और साथ ही में ड्रग एक्ट बना था तो ड्रग एक्ट किस लिए बनाया गया था ड्रग एक्ट इसलिए बनाया गया था कि जो भी ड्रग्स बन रही हैं वो मतलब कि जो भी ड्रग्स सेल हो रही है बन रही है वो सारी की सारी जो है गवर्नमेंट के अंडर एक्ट के अंडर ही काम करे मतलब कोई भी ड्रग ऐसी ना हो या कोई भी सबस्टांस ऐसा ना हो जो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के बन रहा है और सेल हो रहा है और तो जो भी ड्रग एक्ट के अंदर मतलब ड्रग्स से रिलेटेड कोई भी काम हो रहा है वो गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए और इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए एक्ट के बाहर जाके कोई भी पर्सन कोई भी काम नहीं करेगा जो भी रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाया उसके अंडर ही काम होना चाहिए तो इसलिए यह ड्रग एक्ट बनाया था क्युं? क्यों क्योंकि ये ड्रग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिनका मिसयूज़ करा जा सकता है स्मगलिंग करी जा सकती है नारकोटिक्स वगैरह की इसलिए ड्रग एक्ट स्टार्टिंग में बनाया गया था तो उसके बाद 1941 के अंदर डी टी ए बी और सी डी एल बना डी टी ए भी क्या है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड साथ ही में क्या बना सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बनी क्योंकि लिए प्रोफेशन स्टार्ट होने के बाद ही जो मेडिसिन का प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट हो गया था तो स्टार्ट होने के बाद अब हम, हम वो ड्रग्स की टेस्टिंग कैसे करें कि वो जो ड्रग्स बनी है वो सही बनी है या नहीं बनी तो उसके लिए और इंडस्ट्री की टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के लिए हमने ये दो कमेटीज़ बनी थी इंडिया के अंदर नाइनटीन के अंदर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो बनी थी वो बनी थी सबसे पहले कलकत्ता के अंदर तो ये जो सी बनी थी ये बनी थी कलकत्ता के अंदर सबसे पहली सी डी एल तो जिसके अंदर ड्रग्स को क्या किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये सारी टेस्टिंग होती थी ड्रग लेबोरेटरी के अंदर जो भी मेडिसिन बनी हैं उनकी टेस्टिंग हुआ करती थी और उनके रिज़ल्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास जाया करते थे और डी की बात करें तो ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है जो कि इंडस्ट्री के लिए और कॉलेज के लिए टेक्निकल जो भी नीड्स हैं वो इस्टेब्लिश uh, करते थे और टेक्निकल जो नीड है उनको पब्लिश करते थे साइट पर कि ऐसे ही होना चाहिए जैसे कि अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज के अंदर भी जो डी टी ए भी है वो टेक्निकल uh, uh, जो काम है उनको ध्यान रखता है कि क्या क्या uh, मतलब कि uh, क्या क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए इंडस्ट्री में और uh, कॉलेज की बात करें तो क्या क्या इक्विपमेंट्स कॉलेज में होने चाहिए और ये सारी चीज़ें जो है डी भी हैंडल करता है और इसके बाद हम बात करेंगे ड्रग सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कलकटा में बनी थी ये ड्रग की टेस्टिंग का काम करती थी और ड्रग के जो भी रिजल्ट आते थे वो सारी की सारी गवर्नमेंट पास जाते थे इसके बाद हम बात करेंगे 1946 की तो इसमें जो इंडियन फार्माकोपिया है इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था इंडियन फार्माकोपिया क्या है ये स्टैंडर्ड्स की बुक है ये क्या है स्टैंडर्ड्स की बुक है इसमें स्टैंडर्ड सेट करे गए थे स्टार्टिंग में कि ये ये स्टैंडर्ड्स के ही Uh, मतलब कि मेकिंग होगी जैसे कि अगर uh, पैरासिटामोल की बात करें तो पैरासिटामोल 500 हंड्रेड कैसे बनाना है उसका सारा प्रोसीजर इस बुक में दिया हुआ है हमने मतलब कि किसी की टेस्टिंग करनी है मेडिसिन की तो वो टेस्टिंग में हम कितना क्या कुछ सामान लेंगे कैसे वो टेस्टिंग करेंगे कितनी देर तक उसको ऑब्जर्व करेंगे सारा कुछ टाइमिंग और उसकी रेंजेज ग्राफ क्या बनेगा सब कुछ कैलिब्रेशन सब कुछ इस इंडियन फार्माकोपिया बुक के अंदर दिया हुआ है और ये आज भी जो काम होते हैं वो इंडियन फार्माकोपिया के अंडर ही होते हैं मतलब कि इस बुक के अंदर पूरे इंडिया के स्टैंडर्ड सेट है कि इसी स्टैंडर्ड से काम होगा यही रिजल्ट आना चाहिए यही इतना एम हम इसमें प्रोडक्ट लेंगे इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते क्योंकि पूरी स्टैंडर्ड्स की बुक है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है तो ऐसे ही इंडिया के अलावा और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग बुक्स आती हैं स्टैंडर्ड्स की जो हर कोई उस बुक को फॉलो करके जो प्रोडक्शन करता है जैसे कि ब्रिटिश के अंदर ब्रिटिश फार्मा कॉपी आती है यू के अंदर यू एस फार्माकॉपी आती है ऐसे ही इंडिया के अंदर इंडियन फार्माकॉपी आती है तो हमने कुछ भी बनाना है कुछ बनाने के लिए हमने मटीरियल को ग्राइंड करना है मटीरियल का पार्टिकल साइज़ कम करना है तो वो सब भी जो टेक्निक्स हैं वो सब हम इसमें देखते हैं अब इसके बाद हम बात करेंगे 1946 के बाद क्या हुआ था 1948 के अंदर फार्मेसी एक्ट आया था फार्मेसी एक्ट ये जितने भी एक्ट हैं ये आप अपने एक अलग सब्जेक्ट है आपका जुरिसप्रूडेंस जिसके अंदर लॉज के बारे में है ये एक्ट के बारे में डिटेल में पूरा पूरा एक चैप्टर बना हुआ है हर लॉ के ऊपर तो वहाँ आप डिटेल में पढ़ेंगे बट यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि ये एक्ट किस लिए बनाए गए थे जो नाइनटीन के अंदर फार्मेसी एक्ट बनाया गया था ये क्या करता था जो भी फार्मेसी है मतलब फार्मेसी का जो सारा प्रोफेशन है इंडस्ट्री है उनका ध्यान रखने के लिए फार्मेसी एक्ट बनाए गए थे जैसे रूल रेगुलेशन जो भी गवर्नमेंट के हैं वो सारे के सारे फार्मेसी एक्ट के अंदर आएंगे और इसके बाद बात करें 1949 की तो 1949 में पीसीआई बनी थी पीसीआई क्या है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनी थी ये 1949 में बनी थी और ये किस लिए बनाई गई थी ये फार्मेसी के प्रोफेशन को और फार्मेसी के जो भी लाइसेंस है जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं एज अ फार्मासिस्ट इन इंडिया उनका ध्यान रखने के लिए उनकी पूरी रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि जैसे जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट का अलग अलग रिकॉर्ड है जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितने लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं तो उनका कौन ध्यान रखेगा राजस्थान फार्मेसी काउंसिल और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल के पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट होकर सारे पी में जाते हैं कि राजस्थान का इतना रिकॉर्ड है और ऐसे हम बात करें हरियाणा की तो वहाँ पे भी ऐसा होता है, तो तो है।, है कितने कि मतलब कि कि कॉलेज चल रहे हैं कौन से स्टेट में और कौन से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहा जॉब कर रहे हैं उनका लाइसेंस जो है रजिस्ट्रेशन वाला वो कैसे यूज कर रहे हैं ताकि उसका मिस ना हो सके तो ये सारा कुछ कौन ध्यान रखता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है ये दिल्ली में है दिल्ली के अंदर है इनका ऑफ़िस फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके बाद बात करें 1954 की तो 1954 के अंदर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या है आपको नाम से पता लग रहा है ड्रग और मैजिक रेमेडीज वो वाली रेमेडीज जो कि जैसे लोग पुराने टाइम में कहते थे कि ये ताबीज़ पहनने से ये डिजीज़ ठीक हो जाती है या ये धागा बांधने से ये डिजीज़ ठीक हो जाती है तो ये जो भी मैजिक रेमेडीज थी तो इनको रोकने के लिए इनको कम करने के लिए उनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था कि इनके ऊपर कोई भी ऐड नहीं आना चाहिए टीवी पे जैसे कि एड आता था कि ये आ, मतलब ताबीज़ लेने से या ताबीज़ पहनने से डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी तो इनके ऊपर जो एड आता था उनको बैन करने के लिए एड्स को ये ड्रग एंड मैजिक रेमिडीज़ एक्ट बनाया गया था और ये तब बनाया गया जब बहुत ज़्यादा मतलब कि आ, जो गलत काम थे वो बढ़ गए फार्मेसी को लेकर जैसे कि गलत काम इन द सेंस कि जैसे ऐड आने लग गया कि जैसे किसी को चाइल्ड नहीं हो रहा तो ये मंत्र पढ़ने से चाइल्ड हो जाएगा या फिर एक्सवाइज कुछ भी मतलब डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ जो ठीक नहीं हो सकती जैसे कि डायबिटीज़ हो गया बीपी हो गया इसके अलावा अस्थमा हो गया जो कि जिनकी मेडिसिन लेनी ही पड़ती हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती मेडिसिन डिज़ीज़ जो कि शेड्यूल जे के अंदर आती हैं वो वाली डिज़ीज़ जो शेड्यूल जे के अंडर आती है जो ठीक नहीं हो सकती उनके ऊपर मैजिक रेमेडीज के एड आते हैं टीवी पर तो उनको बैन करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था इसके बाद बात करेंगे 1955 की 1955 के अंदर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट बनाया गया ये एक्ट क्यों बनाया गया इसका पर्पस ये था कि टॉयलेट प्रपरेशन जो भी हमारी हैं उसके अंदर एल्कोहल यूज़ होता है मतलब जो भी हम टॉयलेट प्रिपरेशन बनाते हैं इंडस्ट्री के अंदर उसके अंदर एल्कोहल इथेनॉल यूज़ होता है तो जो अल्कोहल इथेनॉल जो हमें गवर्नमेंट से मिलता है वो क्या है मिसयूज़ होने लगा था उसकी स्मगलिंग होने लगी थी अल्कोहल की तो उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था इस एक्ट के अंदर ये बताया गया है कि हम जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रीज हैं मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट की इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी की सारी जो गवर्नमेंट के अंडर रहनी चाहिए गवर्नमेंट उसको टाइम टू टाइम चेक करेगी इंडस्ट्री को और जो इथेनॉल और एल्कोहल आ रहा है प्रोडक्शन करने के लिए वो मतलब गवर्नमेंट जितना सेट कर रखा है उतना ही पर्सन खरीद सकता है इंडस्ट्री में इससे ज़्यादा अमाउंट में पर्सन नहीं परचेज कर सकता इथेनॉल और एल्कोहल को तो इसके बाद है 1985 के अंदर एक्ट आया था नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट तब आया था जब ओपीएम का ओपीएम का स्मगलिंग होने लगा था ओपीएम जो पोपी सीड से हमें ओ मिलता है उसका स्मगलिंग होने लगा था लोग घर घर ओ की जो है कल्टीवेशन करने लगे थे और उसकी स्मगलिंग करने लगे थे तो उस स्मगलिंग को रोकने के लिए ओ एक्ट और नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट बनाया गया जिसमें जो भी नारकोटिक सब्सटांसिस हैं उनको हम सिर्फ गवर्नमेंट के अंदर ही प्रोडक्शन कर सकते हैं हम प्राइवेट कंपनी नहीं खोल सकते उन सबस्टांस की क्योंकि लिए प्राइवेट कंपनी खोलेंगे तो हम कल्टिवेशन करेंगे बनाएंगे बेचेंगे तो इस सब प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्मगलिंग करेगा ही करेगा तो उन सब चीज़ों को बैन करने के लिए जो गवर्नमेंट है उस उन्होंने ये एक्ट बनाया कि ये जो भी नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोडक्शन करेगी गवर्नमेंट अपने अंडर इंडस्ट्री लगाएगी गवर्नमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही इसका नारकोटिक सब्सटांसिस का कल्टिवेशन होगा प्रोडक्शन होगा मेडिसिन बनेंगी तो बहुत लिमिटेड अमाउंट के अंदर कल्टिवेशन होता है लिमिटेड अमाउंट के अंदर मेडिसिन बनती हैं जो कि बहुत ज़रूरी मेडिसिन है जो पेशेंट जिनको प्रिस्क्राइब करते ही कर

एथिक्स जो है उसने फार्मासिस्ट की ओथ दी थी फार्मासिस्ट ओथ क्या होती है कि जैसे प्लेज लेते हैं जैसे डॉक्टर भी प्लेज लेते हैं डॉक्टर बनने के बाद डिग्री पूरी करने के बाद प्लेज ली जाती है जिसे हम बोलते हैं प्रण लिया जाता है डॉक्टर प्रण लेते हैं वैसे ही फार्मासिस्ट की ओथ बनी हुई है ओथ का मींस प्लेज लेना एक प्रण लेना तो फार्मासिस्ट की जो ओथ है वो है बहुत सारी हैं चार पाँच है बट आ, मैंने जो एक लिखी है तो आप बुक में से कोई भी कोई सी भी जो आपको लर्न हो सकती है आप वो लिख सकते हैं तो फार्मासिस्ट की ओथ है आई शेल स्ट्राइव टू परफेक्ट एंड एन लार्ज माई नॉलेज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एडवांस ऑफ फार्मेसी एंड पब्लिक हेल्थ इसका मतलब क्या है प्लेज में फार्मासिस्ट जो है वो प्लेज लेके प्रण लेके बोल रहा है कि मैं मतलब कि प्रण लेता हूँ कि मैं अपनी तरफ से परफेक्ट और एन लाज करूँगा अपनी नॉलेज को अपनी नॉलेज को बढ़ाऊँगा और उनको मतलब नॉलेज लूँगा हर जगह से और उसको कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा उसका यूज़ करूँगा एक अच्छी जगह पर और फार्मेसी में और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तो ये फार्मासिस्ट की ओथ है और इसके साथ हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट होता है हिस्ट्री का अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो टॉपिक है आपका फार्मेसी एज अ करियर फार्मेसी के करियर कहां कहां पे है तो फर्स्ट है अकेडमिक्स अकेडमिक्स वही करियर जो मैं आपको टीचिंग करवा रही हूँ अकेडमिक्स मीनस जो कॉलेजेस हैं जो भी इंस्टीट्यूशन है फार्मेसी के वहाँ पे टीचिंग करवाना तो फार्मेसी जो है वो एक बहुत बड़ा अकेडमिक्स है इंडिया के अंदर और बहुत अच्छा है कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर जो फार्मासिस्ट हैं वो टीचिंग करवा रहे हैं तो जो टीचिंग का जो भी इंस्टीट्यूशन हो गया टीचिंग के लिए इंस्टीट्यूशन हो गया इसके अलावा कॉलेजेस हो गए इसके अलावा ऑनलाइन कोर्स हो गया फार्मेसी का तो ये जो भी टीचिंग है ये आती है अकेडमिक्स प्रोफेशन में इसके अलावा जो फार्मासिस्ट है वो एनालिटिकल केमिस्ट भी बन सकता है इसमें भी बहुत अच्छा करियर है एनालिटिकल केमिस्ट मींस कि जो एनालिसिस की लैब्स होती हैं एनालिसिस की जो लैब्स होती है जैसे मैंने ड्रग सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का बताया था उस लेबोरेटरी के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट की जॉब भी है इसके लिए स्कोप है अच्छा और नेक्स्ट है क्लिनिकल रिसर्च क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है जैसे कि हमने कोई नई मेडिसिन बनाई ठीक है आर एंड डी के अंदर हमने रिसर्च और डेवलपमेंट करा नई मेडिसिन का तो नई मेडिसिन जो है फर्स्ट टाइम बनी है अब हमें पता नहीं कि वो कैसा काम करेगी कैसा एक्शन करेगी बॉडी में जाके कोई साइड इफेक्ट ना कर दे तो उसके लिए जो मेडिसिन की टेस्टिंग होती है वो क्लिनिकल रिसर्च के uh, काफ़ी स्टेप्स को uh, मतलब कि क्लियर करने के बाद जो मेडिसिन है वो मार्केट uh, के अंदर आती है तो जो मेडिसिन है वो क्लिनिकल रिसर्च के अंदर बहुत सारे तीन से चार स्टेप्स के अंदर होकर मार्केट में आती है तो इस क्लिनिकल रिसर्च में क्या होता है कि हम ड्रग की टेस्टिंग करते हैं इसके अंदर हम वॉल्टियर्स चूज करते हैं या तो हम ह्यूमन बींग को चूज़ कर सकते हैं जो कि खुद से क्लिनिकल रिसर्च में आना चाहता है तो हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर ट्राई करेंगे क्लिनिकल रिसर्च जैसे कि या फिर एनिमल्स यूज करके हम उनके ऊपर भी क्लिनिकल रिसर्च कर सकते हैं कि मेडिसिन देने के बाद कितनी देर में वो डिजोल्व हो रही है कैसे वो एक्शन कर रही है कितनी देर में एक्शन कर रही है और क्या क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं इस मेडिसिन से तो वो जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे आते हैं क्लिनिकल रिसर्च में तो इसके लिए एक अलग से इंडस्ट्री बनाई जाती है टेस्टिंग की जिसे हम क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री भी बोलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया के अंदर जो कि क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट है ये इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आज के टाइम में फार्मासिस्ट के लिए इसके अंदर फार्मा को विजिलेंस भी आता है और क्वालिटी एश्योरेंस भी आता है क्वालिटी कंट्रोल भी आता है तो एक बहुत बड़ा मतलब कि इंडस्ट्री का लेवल है ये क्लिनिकल रिसर्च तो इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं फार्मासिस्ट के लिए इसके बाद हम बात करेंगे करियर और कहाँ पे है ड्रग इंस्पेक्टर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ निकालती है टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालेगी जिसके अंदर ड्रग इंस्पेक्टर बनने के बाद जो फार्मासिस्ट है उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहती हैं उनकी ड्यूटीज़ रहती हैं इंस्पेक्ट करना इंडस्ट्रीज़ को अपने जो रीज़न मिला हुआ है ड्रग इंस्पेक्टर को जो रीज़न दिए जाते हैं जॉब करने के लिए उस रीज़न के अंदर इंडस्ट्रीज़ को इंस्पेक्ट करना और जो भी रिटेल शॉप्स हैं फार्मेसी की उनको Uh, मतलब इंस्पेक्ट करना टाइम टू टाइम कि वहाँ पे कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा मेडिसिन का या कोई स्मगलिंग तो नहीं हो रही किसी मेडिसिन की तो उन चीज़ों को इंस्पेक्ट करना और इंडस्ट्री uh, के अंदर इंस्पेक्ट करना कि जो मेडिसिन है वो सही से बन रही है या नहीं बन रही है क्वालिटी अच्छी है या नहीं है मेडिसिन की ऐसा तो नहीं कि एडल्ट्रेट मेडिसिन बना रहे हैं कोई नकली मेडिसिन बना रहे हैं तो उन चीज़ों को टेस्ट करने के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो गवर्नमेंट uh, वैकेंसी निकालती है और उनको इंस्पेक्ट करने के लिए रीजन दिए जाते हैं आते है। इसके बाद है ड्रग रेगुलेटरी ड्रग रेगुलेटरी के अंदर है कि ड्रग रेगुलेशन जो ड्रग के जो रूल्स बनाए जाते हैं थिक्स बनाए जाते हैं जैसे अभी हमने फार्मासिस्ट ओथ पढ़ा था तो ये जो भी ड्रग के रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ये आता है ड्रग रेगुलेशंस के अंदर तो जो ये जो रेगुलेशंस की कमेटी होती है ये कमेटी भी गवर्नमेंट बनाती है तो गवर्नमेंट जो कमेटी बनाती है उसके अंदर इलेक्शंस होते हैं हम मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं वोट देकर हर फार्मासिस्ट अपना अपना वोट देकर इन मेंबर्स को सिलेक्ट करता है फिर एक रेगुलेशन बनता है रेगुलेशन बनने के बाद कमेटी बनती है कमेटी के बाद क्या है रूल्स बनते हैं उसके बाद बात करेंगे हम करियर के अंदर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के अंदर आएगा कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो फार्मेसी होती है मेडिकल शॉप होती है उसके अंदर जो फार्मासिस्ट है जॉब कर सकते हैं तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हॉस्पिटल के अंदर क्या है मतलब कि इनकम अच्छा होता है और पर्टिकुलर कोई एक ही या दो ही डिज़ीज़ की जैसे हम ड्रग्स रख सकते हैं ज़्यादा मतलब कि हमें बल्क के अंदर रखने की ज़रूरत नहीं होती जैसे कि अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो एक तो हम बात करेंगे सर्जरी का हम सारा सामान सेल कर सकते हैं इसके अंदर क्योंकि हॉस्पिटल में सर्जरी भी होती है अगर हम बात करें रिटेलर की तो हम नॉर्मल रिटेलर शॉप के अंदर सर्जरी का सामान नहीं रख सकते क्योंकि ये बाहर रिटेल पे तो कोई सर्जरी का सामान खरीदने नहीं आएगा हॉस्पिटल के अंदर अगर है हमारी फार्मेसी तो हम सर्जरी का सारा सामान रख दूसरा कि पर्टिकुलर जैसे मान लो कि दो ही डॉक्टर बैठते हैं हॉस्पिटल में एक हर्ट का और एक लिवर का तो उस मेडिकल में हम पर्टिकुलर दो ही मेडिसिन रखेंगे एक तो हर्ट से रिलेटेड सारी मेडिसिन और एक लिवर से रिलेटेड सारी मेडिसिन इसके अलावा हम कोई मेडिसिन नहीं रखेंगे बल्क के अंदर तो ये इसके एडवांटेजेस रहते हैं और स्कोप है बहुत अच्छा हर हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी होना आज के टाइम में कंपलसरी है इसके बाद हम बात करेंगे रिटेल फार्मासिस्ट की तो रिटेल फार्मासिस्ट का बहुत अच्छा स्कोप है जैसे कि आ, लाइसेंस लेते ही हम मतलब थ्री टू फोर मंथ्स या फिर सिक्स मंथ्स का एक्सपीरियंस लेके हम खुद की रिटेल शॉप खोल सकते हैं ये एक बहुत अच्छा बिज़नेस है हम इसे जॉब नहीं बोलेंगे ये बहुत अच्छा बिज़नेस है जो कि पर्सनली कोई भी कर सकता है लाइसेंस लेने के बाद रिटेल भी कर सकता है और होल भी कर सकता है तो इसमें बहुत अच्छी इनकम भी होती है इसके बाद हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट की तो जो मैनुफैक्चरिंग केमिस्ट हैं ये वो वाले केमिस्ट होते हैं जो इंडस्ट्री बनाते हैं जैसे कि मेडिसिन कॉस्मेटिक्स इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी जैसे कि मेडिसिंस की इंडस्ट्रीज़ हो गई सर्जिकल इक्विपमेंट्स की सर इंडस्ट्री हो गई इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की सर इंडस्ट्री हो गई तो ये जो भी इंडस्ट्रीज हैं न्यूट्रासूटिकल्स की हो गई न्यूट्रिएंट्स की इंडस्ट्री हो गई ये जो भी इंडस्ट्रीज आएंगी ये आएंगी मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के अंदर मतलब जो भी मैनुफैक्चरिंग केमिस्ट है वो मेडिसिन की इंडस्ट्री भी खोल सकता है कॉस्मेटिक की भी खोल सकता है न्यूट्रेन की इंडस्ट्री भी खोल सकता है बीवरेज़ की भी खोल सकता है तो ये आएंगे मैनुफैक्चरिंग केमिस्ट के अंदर तो इसके अंदर भी बहुत सा स्कोप है इंडस्ट्री हम कोई सी भी इंडस्ट्री हम खोल सकते हैं ईजिली क्योंकि हमारे पास एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस है इसके बाद हम बात करेंगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की एम जो होते हैं ये तो सभी को पता ही है कि जो एम होते हैं वो क्या करते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जो जॉब है एमआर की इनका काम है कि प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है पर्टिकुलर ये एक इंडस्ट्री के लिए जॉब कर रहे हैं जैसे कि रैन बैक्सी की बात करें या सिप्ला की बात करें तो पर्टिकुलर सिप्ला के अंडर जितने भी एम आर हैं वो क्या करेंगे सिप्ला की मार्केटिंग करेंगे हर हॉस्पिटल में हर डॉक्टर के पास और उनके पास जितना भी रीज़न है जॉब करने का रीज़न मीन कि कितना उनके पास एरिया है जॉब करने का जैसे हम राजस्थान की बात करें तो जयपुर उदयपुर और जोधपुर ये तीन रीज़न है किसी पर्सन के पास एम की जॉब करने के लिए तो वो इन तीनों शहरों के अंदर क्या करेंगे तीनों सिटी के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं जितने भी डॉक्टर हैं प्राइवेट डॉक्टर हैं और जितने भी आ, मतलब कि मेडिकल शॉप्स हैं वहां पे जाकर सिप्ला की क्या करेंगे मार्केटिंग करेंगे जो भी नई मेडिसिन आई है कोई भी नया डोसेज फॉर्म आया है उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे उनके एडवांटेजेस बताएंगे कि ये ये एडवांटेजेस हैं इस नई मेडिसिन के ये ये है, यूजेज हैं और इसमें ये ये मतलब कि कॉस्ट कम है या कुछ भी उसके अंदर एडवांटेज है तो वो एक्सप्लेन करेंगे और उसकी मार्केटिंग करेंगे इनके बेसिस पर उनको इंसेंटिव भी मिलते हैं सैलरी भी मिलती है और उनको एक्सपेंसेस भी मिलते हैं सिटी टू सिटी ट्रेवल करने के तो यह भी एक बहुत अच्छा जॉब के स्कोप है फार्मेसी का इसके बाद हम बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च और डेवलपमेंट क्या है ये इंडस्ट्री के अंदर आर डी होता है आर एन डी ये एक पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर न्यू ड्रग की रिसर्च करी जाती है न्यू डोसेज फॉर्म न्यू ड्रग या फिर कोई न्यू आ, कोई डिजीज़ आई है तो उसका डायग्नोसिस कैसे करा जाए तो वो सारी चीज़ों की जो नई जो भी चीज़ हम बनाई जाती है कोई नई मेडिसिन बनाई गई कोई नया एक्सीपिय ढूंढा गया या फिर कोई नई डिजीज़ आई है उसका डायग्नोसिस कैसे होता है वो ढूंढा गया और डायग्नोज होने के लिए कोई नया इक्विपमेंट बनाया गया तो जो भी नई चीज़ आती है रिसर्च करने के बाद तो वो आती है आर के अंदर तो ये एक बहुत बड़ा आ, स्कोप है फार्मेसी के लिए जो कि आर डी है इसके अंदर सबसे पहले तो रिसर्च करी जाएगी उसके बाद रिसर्च करने के बाद पूरा लेआउट बनाया जाता है उसका हाइपोथेसिस बनाया जाता है कि ये काम जो हमने रिसर्च करा ये कैसे होगा रिसर्च होने के बाद उस काम को डेवलप करा जाता है डेवलप होने के बाद जब मेडिसिन बन जाती है उसके बाद उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स करी जाती हैं क्लिनिकल ट्रायल पास होने के बाद उसको मार्केट में लाया जाता है प्रोडक्ट को तो ये इन स्टेप्स के अंदर काम होता है और इसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर आएगा कि जो मैनेजर्स होते हैं मैनेजर भी एक बहुत अच्छा स्कोप है जिसके अंदर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं मतलब कि हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करने के लिए भी एक कोर्स आता है एम बी ए इन फार्मास्यूटिकल मतलब कि हम एम बी ए भी कर सकते हैं फार्मेसी के अंदर जिसमें कि हम हॉस्पिटल का मैनेजमेंट की जॉब कर सकते हैं इसके अलावा हम कॉलेज के मैनेजमेंट की जॉब कर सकते हैं इंडस्ट्री के मैनेजर बन सकते हैं तो ये जो मैनेजर की जॉब होती हैं वो होती हैं एम बी ए करने के बाद इसके बाद हम बात करेंगे फार्मा पब्लिशिंग नेक्स्ट हमारा है फार्मा पब्लिशिंग फार्मा पब्लिशिंग ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये आ, पब्लिशिंग क्या होता है कि जैसे हम कोई भी बुक पब्लिश करवाते हैं आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं वैसे ही आजकल फार्मा पब्लिशिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ऐसे कि जैसे कि कोई किसी ने न्यू ड्रग रिसर्च करी या किसी ने कोई नई रिसर्च करी है किसी मेडिसिन के ऊपर कोई नई डोसेज फॉर्म रिसर्च करी है तो हर पर्सन उसको अपने नाम पर पेटेंट कराना चाहता है तो पेटेंट कराने के लिए उसको अपने नाम पर पब्लिश कराना ज़रूरी होता है तो आजकल जो बुक्स लिखी जाती हैं फार्मेसी के कोई भी सब्जेक्ट की या आर्टिकल लिखा जाता है कोई नई रिसर्च का या फिर कोई टॉपिक का किसी भी नई डिजीज़ का तो वो जो भी काम करा जाता है उसको पब्लिश कराना जरूरी होता है पब्लिश होने के बाद वो अ, लंबे मतलब कि पेटेंट हो जाता है उस पर्सन के नेम पर इसके साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है अ, हिस्ट्री और बाद में है फार्मेसी एज अ करियर ख़त्म होता है थैंक यू